कलंक में साथ नजर आएंगे माधवी दीक्षित और संजय दत्त। एक समय माधवी दीक्षित ने थानेदार, खलनायक, महानता जैसी कुछ फिल्मों में साथ काम किया था। उनकी नजदीकियों के भी चर्चे थे। इसी बीच संजय दत्त कुछ मामलों में फंस गए और माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। संजय दत्त के जीवन पर बायोपिक बन रही है और संजय में माधुरी वाले हिस्से को हटाने की गुजारिश फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी से की थी, जो बात मान ली गई है। संजय नहीं चाहते कि माधुरी की शादीशुदा जिंदगी में अब किसी प्रकार की हलचल हो। बहरहाल ये दोनों सितारे अब एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। करण जौहर ने कलंक नामक फिल्म बनाने की घोषणा की है। इस फिल्म में माधुरी और संजय के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, वरुण धवन और आदित्य रॉय कपूर भी दिखाई देंगे। इस फिल्म को बनाने का आइडिया करण जौहर के पिता यश जौहर के दिमाग में 15 वर्ष पूर्व आया था। करण के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और करण अपने पिता के आइडिया पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक वर्मन करेंगे, जो टू स्टेट्स नामक सफल फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म का निर्माण करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला और फॉक्स स्टार स्टूडियो मिलकर करेंगे। कलंक को 19 अप्रैल 2019 को प्रदर्शित किया जाएगा।